यार दिमाग खो दिया मेरी सास सुगने वो भूतनी के मरेगा के थमके मारोगे मन्ने में पहले मैं मर लिया अरे ऐसे कैसे घूम रहा है नशे में मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय नशे के बेटा जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं तू दुनिया के लिए मर लिया लेकिन अब हमारे लिए जिएगा आज तो तू अपनी तकदीर खुद लिखेगा मैडम को गोलगप्पे खिला और बढ़िया वाले खिलाना एकदम चटपटा ठीक है गोलगप्पे मैडम खाओ अपनी ही दुकान है कितना ही खाओ भाई पैसे मत लेना मैडम से इतनी सुथरी है और इनसे अगर पैसे लेंगे तो यार हमारी पहचान बुरा मान जाएगी खाओ मैडम खाओ दूर होके बात करो मुझसे ये क्या बदतमीजी है क्या हो गया मैडम अरे छू ही तो रहे हैं बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है नहीं तो एक रैपटा मारूंगी दीवार पे लगोगे सीधा जाके पुलिस वाले को मारोगे दूर होके बात करो मुझसे ये उंगली किसको दिखा रही है करता है मेरे साथ बहुत अच्छा करे बेटी तू पुलिस वाले पे हाथ उठा रही है पुलिस वाले पे हाँ पुलिस वालों को भी अपनी हदों में रहना चाहिए पुलिस वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे लड़कियों को छेड़ोगे बीच रास्ते में तुम्हें बंद करके वो हल कर दूंगा तुम्हारा सारी हैकड़ी उतर जाएगी मैडम आई बात समझ में लड़कियों की इज्जत का ख्याल होना चाहिए ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है समझ में आई बात मैडम यही कह रहा था ना तुमसे कि खा लो तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आपको ठीक है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ अपने कायदे से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बंद करके वो हल कर दूंगा तुम्हारा अरे जाओ जाओ हाल तो क्या पता किसका खराब होना है किसका नहीं ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मैडम तुम्हें ध्यान रख लिए कोई बात नहीं जाओ जाओ ताऊ अपनी ये मैडम है अच्छे से नींबू मसाला लगा के देना ठीक है अरे रोकी पसंद आ गई के अरे हाँ भाई फिर अपनी बना लिया के ये तो भाई लगता अपनी बनानी पड़ेगी अरे मैडम मगा आई लव यू अरे चल ले के मगा तेरे सारे शौक पूरे करवा दूंगा अनलॉक है दिलारी है अरे अब तो तने लेके जाऊंगा
ओए, तुझे पता है तूने किस पे हाथ उठाया? तू जानता है मैं कौन है? तू मेरे भाई पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे क्यों भीड़ कर रखी है रुक्की भाई? बंटी पे हाथ उठा रखा इसने, छोड़ूंगा नहीं। कौन है भाई तू? कौन है तू? ज्यादा हीरो बन रहा है, हैं? चौधरी बन रहा है, हैं? कौन है? हीरो है, घना हीरो बन रहा है, बनाओ चौधरी। थाने के अंदर डाल के मरम्मत कर दूंगा, आई बात समझ में? सारी हेकड़ी मिनट से पहले निकल जाएगी। निकल ले, घूर के क्या देख रहा है? चल फुट यहां से, सुनता नहीं क्या? मैं तेरे को कह रहा हूं। सर, मैं पहचान नहीं पाया सर। चलो निकलो। सर, मैं पहचान नहीं पाया सर। सर, आपने इन गुंडों को सही सबक सिखाया। इन्होंने लड़कियों का जीना हराम कर रखा है और यहाँ की पुलिस भी ऐसी ही है। वैसे सर, आप हो कौन? मैं इस जिले का नया कलेक्टर अर्जुन सिंह। अर्जुन वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे। चल यहां से, आ जाती सुबह सुबह। चल यहां से। Hey, जूस पिलाओ इसको। सब रोज आ जाती है और पैसे नहीं देती। मैं दूंगा ना पैसे, जूस पिलाओ इसको। ये लो। आज के बाद अगर किसी गरीब को धक्का मारा ना, तो तुम्हारी दुकानदारी को धक्का मैं मार दूंगा, समझे? देश के खातिर जान लुटा दे, सीता है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं, उनके काम आ सकूं। अरे मीनाक्षी, कभी अपने लिए भी कुछ मांग लिया करो। क्या पूरे समाज को सुधारने का ठेका तुमने ही उठा रखा है? राधिका, ऐसी बात नहीं है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी दूसरों के लिए भी जी कर देखो, मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा जी, जैसी आपकी मर्जी। जय गणपति बाप्पा। अच्छा अच्छा मीनाक्षी, तुमने कोई लड़का वड़का पसंद किया कि नहीं? मैंने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा ये बता, तुम्हारा अब की बार स्कूल का टूर कब जा रहा है? क्यों, तू भी चल रही है क्या? हाँ हाँ, अब की बार मैं पक्का चलूंगी। ठीक है, अब की बार साथ ले चलूंगी आपको। छोड़ो मुझे।
अरे क्या दिक्कत होगी इसका? बेराना साहब बहनिया बहनिया कर रहा है जी। मेरी बहनिया के पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं साहब जी, बचा लो साहब जी बचा लो। अरे किसी छतरी बाण है वो सर, डाकर के प्लांट पे उसकी इज्जत कतरे हुए है सर। साहब जी उन लोगों ने उसकी इज्जत लूट ली साहब जी, वो मर जाएगी। सारी लूट ली के साहब जी, ये क्या मजाक बना रहे, क्या वो मर जाएगी? आड़े तेरी रिपोर्ट लिखूंगा मैं, जा चौकी में लगवा जाके। जा भाई जा चौकी में जा। जनाब जनाब क्या मना पाए हो तो सौदा और कोई फंसेगा? अच्छा बैठ जाओ तो साहब। पता नहीं ये भल्ला कितनी देर में निकलेगा। जा तेरे को बुला रहा है, जल्दी जा। अच्छा? मारता बच के जाग आ गड़े हाँ, तेरा हो गया काम, आजा। आइयो छोटो, अब तक माल नहीं बना जे। बन गया दादा बन गया। इतनी देर में बनता है हरामखोर? दादा एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आइयो रामा, आप कौन सी गड़बड़ लेके आया जी? दादा आपके छोटे ने अपने दूसरे प्लांट पर एक मजदूर की लड़की का बलात्कार कर दिया। आइयो ये छोटा मरवाएगा, किसी ने देखा तो नहीं? भाई का फोन आया है, उस मुंशी के लड़के ने देख लिया। आइयो लगता है उस मुंशी के बुढ़ापे की लकड़ी तोड़नी पड़ेगी जी। दादा अब ये बताओ करना क्या है? आइयो करना क्या जी, अरे ये तो वही न्यूज है ना जिस पुलिस वाले को आपने थप्पड़ मारा था। सही सबक सिखाया इन गुंडों को, मेरा तो हाथ अभी तक दुख रहा है। वही देख रही हूँ मैं, अफसर बहुत कड़क है ये, अब शहर से गुंडागर्दी खत्म हो सकती है। हेलो, हाँ जी बोलिए।
नमस्कार दोस्तों, मैं हैरीवुड न्यूज रिपोर्टर भावना चौहान। आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे ऑफिसर से जो अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सिविल सर्विस ऑफिसर अर्जुन सिंह की, जिनका हौसला बुलंद और निशाना एकदम स्टिक है। तो आइए मिलते हैं इस जिले के नए कलेक्टर अर्जुन सिंह से। सर, हमारे शहर की खुशकिस्मती है कि आपने हमारे शहर में आके कलेक्टर का पद संभाला। और सर, हमारी जनता ये जानना चाहती है आपका पहला कदम क्या होगा। अर्जुन सिंह का हर कदम जनता की सेवा के लिए उठेगा। सर, हमारे जिले की जनता इतनी परेशान है कि उन्हें इतनी भीषण गर्मी में राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन में गेहूं की जगह बाजरा दिया जाता है, और तो और सरसों के तेल की जगह पाम ऑयल देकर गरीब जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए मैडम, इस मामले में फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच होगी, और जो भी इसमें शामिल होगा उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस जिले में एक डागर नाम की बहुत ही खतरनाक गैंग है, जिसने नेताओं के साथ मिलकर पूरे प्रशासन को अपने कब्जे में ले रखा है। आए दिन इस शहर में चोरी चकारी, बलात्कार, मर्डर जैसे संगीन जुर्म दिन दिहाड़े हो रहे हैं। इस पे आपका क्या एक्शन होगा? इसके लिए हम कुछ चुनिंदा ऑफिसरों की टीम बनाएंगे जो इस क्राइम को खत्म करने के लिए काम करेगी, और जल्द ही हम इस गैंग का खात्मा कर देंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैडम, सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, अब थोड़ा काम कर लिया जाए। तो दोस्तों, हमारे शहर के नए कलेक्टर अर्जुन सिंह ने अपना पद संभाल लिया है। तो आइए देखते हैं कलेक्टर क्या इस शहर के भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे। मंत्री साहब, मेरे आदमी ने बचा लो, उसने ना बिना कसूर फांसी तोड़ लग रहे, मेरी मदद करो। खिलाफ गवाही देगा? मंत्री साहब, मेरी मदद करो। मंत्री साहब, मेरे आदमी ने बचा लो, डागर के आदमी उसने प्लांट पठा ले गए, उसने बिना गुजर फांसी तोड़ लाग रहे हैं, उसने बचा लो। सिर्फ थारे केसा की वजह थे इन जिसे मजबूर मेरे द्वारा नहीं आ पाते, मैं समाज की क्या सेवा करूंगा? लकड़ जावा रहे थे। मंत्री साहब, आप हमारे भगवान हो। मंत्री साहब, मेरे आदमी ने बचा लो। मंत्री साहब। ले पानी पी। भेज दिए मंत्री साहब। कत्ती भेज दिए बावली, क्यों चिंता करे है? पुलिस भेज दी मने, टेंशन ना ले, चिंता ना करे तू, पानी पी। अरे तुम्हारे बैठे हुई बे, थारा काम हो लिया? चलो घरा। ठीक है मंत्री जी, ठीक है। उरे ना, तेरे तो अलग तक कहनी पड़ेगी, सारी अनशर पे खड़ा रहे, जाके मैं और काम देख ले। मंत्री जी, जब मेरा आदमी मर गया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे बावली, मैं रहा, तू क्यों चिंता कर रही है? तुमने मैं बनाया है क्या? तो हूं तेरा, तो मैं आधी रात का गहना हूं ना। पिक्के नसल ले खत्म कर दिया करा। रे रे, ले फिर ये न्यू कह दे हैं, मंत्री मारे काम ना आता।
कर लो काम इनके। वह पत्रकार मने अड़के में लेगी। तू अपनी तकदीर खुद लिखेगा। राम राम कलेक्टर साहब, मैं इस इलाके का MLA हूँ। ये सर लोकेशन है, इसमें दो गेट है, पीछे वाला गेट है, एक मेन एंट्रेंस। गरीब इंसान को कमा के दिखाने देते तुम लोग? ऐसे ड्यूटी होती है? कल मुझे सस्पेंड चाहिए। चलिए